नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आपको आज का ट्रेड स्विंग अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करें, फाइंड करें, आपसे शेयर करें, पहले चलते हैं हमारे उस चैलेंज की तरफ जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं 100 ट्रेड्स इन कॉन्टिन्यूशन अचीव करने की, जिसमें हम 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर पाए। टफ है बट स्टिल वी जस्ट लव इट। उसका लाइव आप सामने रिजल्ट अभी देख रहे हैं। अभी तक टोटल हमारी 6 पोजीशंस हमने ली, जिसमें से हमारा स्कोर चल रहा है 100 में से 1। एक अपना टारगेट अचीव कर गई, वो आप देख रहे हैं, कैनफिन फुल कॉल स्प्रेड था, उसमें अपना काम हो गया। बाकी 5 पोजीशंस अभी भी ओपन है। टारगेट्स हमारे बड़े बड़े सिंपल है, 1000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट दिख जाएगा हम उस पोजीशन को प्रॉफिटेबल मान लेंगे, उसे क्लोज कर देंगे, या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम उसमें वहां पर अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, पुराने सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देंगे, दोबारा जीरो से शुरू कर देंगे और 100 को अचीव करने के काम पर लग जाएंगे। बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं है। रिजल्ट आपसे शेयर कर दिया, वो फोर्स में प्रॉफिट है पर 1000 नहीं बना बना, आईसीआईसी बुल में प्रॉफिट है पर 1000 नहीं पहुंचा। पोजीशंस ओपन है, क्लोज नहीं करेंगे। 3 ट्रेड चल रहे हैं, नौकरी, इपका लैब और जुबिलेंट फूड्स। लॉस जरूर दिख रहा है पर पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट नहीं है। ये हो गया पुराना डेटा, अब चलते हैं नए डेटा की तरफ और बताने की कोशिश करते हैं आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। चलते हैं मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो स्क्रिप्ट आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ उसका नाम है ट्रेंड। ये देखिए, टाटा का एक ब्रांड, एक उसकी ब्रांच, एक उसकी आम, एक उसकी सब्सिडरी, कपड़ों का काम करते हैं, एक्सेसरीज का काम करते हैं। जो आप अपने घर के आसपास में आजकल जूडियो के नाम से बहुत सारे जो शोरूम्स देख रहे हैं वो ट्रेंड का ही पार्ट है। ट्रेंड कंपनी है, जूडियो उनका ब्रांड नेम है। चार्ट आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, पहले हम इसको देखेंगे 1 मिनट वीकली और फिर आपके साथ में शेयर करेंगे। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमको कहीं पर भी नहीं लग रहा कि प्राइस अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये सिचुएशन है कि वीकली टाइम फ्रेम पर इसने अपने लेटेस्ट रेजिस्टेंस को हिट करा है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारा बायस कन्फर्म हो गया, उसके बाद हम आ गए डेली। डेली टाइम फ्रेम हमें लगता है कि प्राइस अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है, तो हमारा बड़ा सीधा साधा सा बायस है। हमने यहाँ पर एक हमारी समझ कहती है एक लॉन्ग की पोजीशन बनती है। हमने आपके साथ में चार्ट शेयर कर दिया, एंट्री शेयर कर दी, स्टॉप लॉस शेयर कर दिया। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। उसके लिए हम एक वेबसाइट है जिसको रेफर करते हैं। वेबसाइट का नाम है फिनोलॉजी, आप उसको चाहें तो रेफर कर सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है। एक बार इस पर डाल के देखते हैं कि इसके पास ट्रेंड को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। ट्रेंड पर आ गए, चेक करते हैं, 5 में से 4 स्टार्स। अब देखिए मार्केट का कैप इसका कई लाखों करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का डेट, सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, कहीं कोई रेड फ्लैग नहीं, सिर्फ एक जगह छोड़ करके प्रमोटर होल्डिंग। आज का सवाल, ट्रेंड में प्रमोटर होल्डिंग इतनी कम क्यों है? इसका जवाब निकाल करके दीजिए तो मानेंगे कि आपको एनालिसिस के बारे में, मतलब एनालिसिस के अंदर डीप डाइव करके डेटा निकालने में आपकी महारत है, ये आपका टास्क है। ये बताइए कि ट्रेंड का प्रमोटर होल्डिंग इतना कम क्यों है? व्हाट इज द रीजन व्हाई द प्रमोटर्स आर डाइल्यूटिंग देयर शेयर्स? वो अपना हिस्सा क्यों छोड़ रहे हैं जब कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, आरओसी और ये इतना धमाकेदार है और कंपनी रेट पे रेट ऊपर काट रही है, भाग रही है, तो प्रमोटर भाग क्यों नहीं? दिस इज द टास्क फॉर यू, फाइंड करके बताइए। आगे चलते हैं, चार्ट्स देखते हैं तो कोई बात ही नहीं है, सारे के सारे ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। सॉलिड कंपनी, सॉलिड ब्रांड्स, सॉलिड रिजल्ट्स एंड सॉलिड फाइनेंशियल्स। आगे चल लेते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, वो सामने हम देख रहे हैं, तो इसमें हमको किसी प्रकार का कोई कहीं डाउट नहीं है। ये सब बातें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। फंडामेंटली टेक्निकली चार्ट रीडिंग के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी ठीक है। यहाँ पर हम अपनी एक तेज पोजीशन बनाना चाहते हैं। अब तेज पोजीशन बनाने का हमारे पास वही सीधा सीधा तरीका होता है, क्या बनाओगे, बुल कॉल बनाओगे या बुल पुट बनाओगे? उसके लिए हम जाएंगे इसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखने। हिस्टोरिकली वोलेटिलिटी थी इसकी 41, आज की डेट में इसकी वोलेटिलिटी की बात करेंगे तो वो हमें मिलेगी यहाँ पे दैट इज 38। वोलेटिलिटी अपने पीक आउट लेवल्स के आसपास है, मतलब वोलेटिलिटी तेज है, ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रही है, डिस्काउंटेड नहीं मिल रही। और आगे चलेंगे IBP परसेंटाइल देखेंगे तो वो भी 75% है। अब क्या करें, यहाँ पर तो ये दोनों संकेत तो ये बताते हैं कि ट्रेंड के अंदर में तेजी का जो ट्रेड बनना चाहिए, तेजी का ट्रेड बनना चाहिए, बुल कॉल का यहाँ पर माफ कीजिए, बुल कॉल का ट्रेड नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वोलेटिलिटी पीक्ड आउट है।
यहाँ पर तो वॉलेटिलिटी को सेल करके तेजी खेलनी है, से मतलब है यहाँ पर ऑप्शन को सेल करना है, से मतलब है यहाँ पर बुल पुट बनाना चाहिए। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन में और देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आइए और ये देखिए, जो मैं यहाँ पर गया और देखा तो मैंने कॉल का यहाँ पर वॉल्यूम देखा 57,000, पुट का वॉल्यूम देखा 16,000। कोई बात नहीं, चलो वॉल्यूम कोई बात नहीं, पर मेरे को तो आगे अपना ट्रेड बनाना है। अब मैं ट्रेड बनाने जब वहां पर पहुंचा तो मैं ट्रैप हो गया। कैसे? ये देखिए बाजार चल रहा है 7400 पे। अब एक तरीका मेरे पास था, मैं 7400 की कॉल खरीदता और 7500 की कॉल बेच देता, बुल कॉल बना देता। दूसरा तरीका था, मैं 7400 की कॉल खरीदता और 7300 की कॉल बेच करके बुल पुट बना देता। मैं बुल पुट बना करके कैसे फंस रहा हूं या कैसे, मोटा मोटा कहानी चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बुल कॉल में देखते हैं तो मेरे पास जो बिड और आस का डिफरेंस है वो 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 215, 217, 165, 166। अगर मैं बुल पुट की तरफ जाता हूँ 7473 तो जाता हूँ तो वहां पर मुझे 3 रुपए का डिफरेंस नजर आता है। क्या करें? वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम का इतना बड़ा कोई यहाँ पर चक्कर नहीं है, हालांकि कॉल की तरफ वॉल्यूम ज्यादा है, पुट की तरफ वॉल्यूम कम है, पर वोलेटिलिटी कहती है कि यहाँ पर पुट को बेच करके चलना चाहिए, यहाँ पर कॉल को खरीद के नहीं चलना चाहिए। लगाते हैं दिमाग और लेते हैं एक कॉन्ट्रा, यहाँ पर चलते हैं 7400 की पुट को बेचते हैं और 7300 की पुट को खरीद करके यहाँ पर एक बुल पुट बनाते हैं आज, और देखते हैं कि ये ट्रेड हमको क्या रिजल्ट निकाल करके देगा। आइए देखते हैं, हम बनाएंगे एक डमी ट्रेड और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। 7400 तो यहाँ पर हम पहले 7300 की पुट को खरीदेंगे और उसके बाद 7400 की पुट को बेच देंगे। ये होता है बुल पुट, जिसमें आप एक महंगी पुट को बेच देते हो और एक सस्ती, महंगी पुट को बेचते हो और सस्ती पुट को खरीदते हो, आप बुल पुट बनाते हो। आपका इनिशियल 95,000 मांगेगा, बाद में 63,000 का काम होगा। एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि 63,000 लगा करके ट्रेड बन क्या रहा है। मोटा मोटा वही है, 9,500 प्रॉफिट, 10,000 लॉस, 56% प्रॉबिबिलिटी, 1/1 का मोटा मोटा प्रॉफिट लॉस का सिनेरियोस दिख रहा है। इसको बनाते हैं डमी और कर देते हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड। आइए देखें, यहाँ पर बनाते हैं, 5 तारीख है हमारे पास, 17 तारीख की जो स्क्रिप्ट फाइंड हमने करी, 17 तारीख का ये स्क्रिप्ट हो गया, कंपनी का नाम हो गया, यहाँ पर हमने बनाया बुल पुट। ये बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि हम क्या ट्रेड बना रहे हैं, कब बना रहे हैं और हमें क्या चीज़ मिल रही है। ये बुल पुट बनाया, ये करा, लोड करा और हम आ गए अपने, ये आपके सामने आ गया ट्रेंड का। मार्केट क्लोज है, 80 रुपये का लॉस दिखा रहा है, दैट इज़ ऑलराइट, इसको चलते बाजार में देखेंगे। बट दैट इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू शेयर कि हमने मार्केट में तेजी खेली, हमने तेजी खेली, हमने कॉल को खरीद के तेजी नहीं खेली, आज हमने तेजी खेली पुट को बेच के, हमने बनाया बुल पुट। बुल पुट क्यों बनाया? क्योंकि वॉलेटिलिटी पीक डाउट है, इसलिए बुल पुट बनाया। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, बट सो फार एज टुडे इज देयर, दिस वाज माय ट्रेड। स्क्रिप्ट ट्रेंड है ये, उसका पहले बात करेंगे, ये उसका टेक्निकल्स, ये उसका फंडामेंटल्स, और आगे चलते हैं, ये उसका हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और ये उसका करंट वॉलेटिलिटी, ये उसका IVV परसेंटाइल, ये उसकी ऑप्शन चेन 7400 पे प्राइस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माय ट्रेड, दिस इज व्हाट वी कुड डू, व्हाट वी हैव डन, वी सोल्ड 7400 पुट एंड वी बॉट 7300 पुट, वी मेड अ बुल पुट स्प्रेड। तेजी खेल रहे हैं बट तेजी वी आर गोइंग टू प्ले विद सेलिंग ऑफ पुट्स, दिस इज व्हाट वी कुड डू सो फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग इज देयर। एक बार के लिए वापस चलते हैं, हमने मोटा मोटा जो आपके साथ में थॉट शेयर करने थे अपने चैलेंज से लेकर के आज की स्क्रिप्ट फाइंडिंग तक का जो एंटायर पीस, पूरी बात हम आपसे बताना चाहते थे, हमने आपको अपनी तरफ से कंप्लीट करी। बिफोर आई मूव अहेड एंड आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो, मेरे पास दो छोटे छोटे सजेशंस हैं, दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं। फर्स्ट, ये टेलीग्राम का चैनल, ऑफिशियल चैनल जो है, लिंक है उसका, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, आप चैनल को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में एवरी अल्टरनेट डे, वेरी लाइकली ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, वी कंडक्ट ऑनलाइन मीट्स, ऑनलाइन क्लासेस, वेर इन यू कैन पार्टिसिपेट विद अस एंड ट्राई टू डेवलप डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, यू कैन डेवलप योर स्किल्स ऑन डिफरेंट डोमेन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम आप चार्ट रीडिंग से लेकर के प्राइस एक्शन से लेकर के ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद आप ऑप्शन चेन से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग, लास्ट बट नॉट नॉट सो मेनी थिंग्स आर देयर वी ट्राई टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। वहां पर हम 3 तरीके से बात करते हैं, हम सबसे पहले कंटेंट को 3 लेवल्स पर डिवाइड करके चलते हैं, हम वहां पर बिल्कुल फ्रेशर बिगनर के परस्पेक्टिव से भी बात करते हैं,
दूसरा हम उन लोगों के परस्पेक्टिव से बात करते हैं जिनको बाजार में 2-3 साल हो गए और जो 4-5 साल बाजार में लगा करके बैठे हैं, उस परस्पेक्टिव से भी अपनी नॉलेज आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं। मेंबर बन करके आपको ये मिलेगा मौका कि आप उन मीट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहला, पार्टिसिपेशन के साथ साथ आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, जवाब ले पाएंगे, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। देयर आर मोर देन 80 मेंबर्स इन द कम्युनिटी, यू आर गिवन अ चांस टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। दिस इज व्हाट वी कुड डू। बिफोर आई कंक्लूड द वीडियो, आई विल से प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, ट्राई टू मीट यू अगेन, विल वी मीट, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।